सूर्यास्त और मत हो जाना मस्त दोस्त, मेरा ओपिनियन समझ लो, देशद्रोही या फिर राजद्रोही, दोनों शब्द में से कौन सा शब्द सुनकर के आपको ट्रिगर आता है बताइएगा। सारा खेल इसी में है, लोगों को पता ही नहीं दोनों चीज क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही तो पूछा कि जिस कानून का इस्तेमाल महात्मा गांधी और उन जैसे दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों पर कार्रवाई के लिए किया गया हो, उस कानून का आजादी के बाद भारत में क्या जरूरत है। लेकिन आजादी के बाद ही देखेंगे ना, तो भारत में ना सिर्फ इसकी जरूरत बन जाती है बल्कि समय के साथ इसका इस्तेमाल इतना बढ़ता गया, ये नेताओं का ना फेवरेट डंडा बन गया, सबको पसंद आने लगा, इसीलिए इसको निरस्त नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि देशद्रोह राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार जब तक नहीं हो जाता, राज्य और केंद्र सरकार इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती। और डेटा भी यही कहता है, जहां 2010 के बाद से यूपीए सरकार में हर साल औसतन 68 जो केसेस थे ना वो दर्ज होते थे, तो वहीं एनडीए की सरकार में हर साल औसतन 74.4 मामले दर्ज होते हैं। राजद्रोह का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जिन 5 राज्यों में किया गया उसमें से 2 में भाजपा के मुख्यमंत्री तो 2 में एनडीए के सहयोगी पार्टियों के सीएम रहे हैं और वहीं 1 में विपक्षी पार्टी के सीएम थे। जहां बिहार में 2010 के बाद कुल 171 ऐसे केसेस दर्ज हुए हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर तमिलनाडु रहा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक रहे। आरोपियों के लिहाज से अगर मैं बताऊं तो राजद्रोह के मामले में सबसे ज्यादा केसेस 4,641 आरोपी झारखंड में बन गए हैं। जिन लोगों पर राजद्रोह के सबसे ज्यादा केसेस लगाए गए उनमें सामाजिक कार्यकर्ता समूह में सबसे ज्यादा निशाने पर रहते हैं, पत्रकार बहुत ज्यादा रहते हैं। सवाल यह है कि आरोप लगाना और अपराधी घोषित हो जाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। इस कानून के तहत ही तो 2015 में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल, फरवरी 2016 में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, फरवरी 2021 में कांग्रेस नेता अजय राय, महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार ने ना सिर्फ बयानों के आधार पर मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया, तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली घोषणा करने वाली सांसद नवनीत राणा के खिलाफ भी राजद्रोह कानून के तहत केस दर्ज कर दिया गया। सोचिए जरा, सोचिए कि जिस काम के लिए धारा 144 है, धारा 107 है, जिसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसके लिए धारा 124 लगाई जाता है। ये क्यों लगाया जाता है, वीडियो के एंड में आपको समझ में आ जाएगा दोस्त। राजद्रोह और देशद्रोह दोनों में अंतर होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। राजद्रोह, देशद्रोह, पॉलिटिकल पार्टी राजद्रोह कहेंगी नहीं, देशद्रोह कहती कि वो ट्रिगर करता है। सवाल पहले पूछा ना, क्या ट्रिगर करता है, ट्रिगर करता है तो वो देशद्रोह है, वो सुनने का खून है वो खोलता है। कि भारत में इंग्लैंड के संसदीय लोकतंत्र को अपनाया जाता है, जहां पर 13वीं शताब्दी में राजा को देवता और देश का पर्याय मानने की जरूरत और शुरुआत हो जाती है। उसके बाद इंग्लैंड में 1845 में राजा की आलोचना के खिलाफ राजद्रोह का कानून बनाया गया। उसी तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 1870 में आईपीसी में राजद्रोह अपराध का कानून भी जोड़ दिया जाता है। 1891 में राजद्रोह का पहला मामला अखबार नवीस जोगेंद्र बोस पर दर्ज होता है। उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाले बाल गंगाधर तिलक से लेकर के अनेक सेनानियों जिसके नाम आप सोच सकते हैं मुकदमे ही झेले। अंग्रेज ने इस कानून को आजादी की लड़ाई पर अंकुश लगाने का हथियार बना डाला था, लेकिन आजादी के बाद इस हथियार को लेकर के किस बात पर अंकुश लगाया गया, यही आपको सोचना है। भारत के संविधान में जनता द्वारा चुनी गई सरकार हर 5 साल में बदली जाती है, इसलिए सरकार के खिलाफ बोलना गुनाह नहीं हो जाता है। लेकिन देशद्रोह बहुत गंभीर मसला है और अपराध भी है, उसके लिए खुद अलग प्रावधान भी है। आतंकवाद का साथ देना देशद्रोही, भारत सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करना देशद्रोही, दुश्मन से हाथ मिला लेना देशद्रोही, अपने ही देश के खिलाफ जासूसी में शामिल हो जाना देशद्रोही, बगावत करना जैसी बातें देशद्रोही के साथ आती है। अरे इन स्थितियों से निपटने के लिए सेडिशन के केसेस क्यों लगाते हो, मकोका भी तो है, यूएपीए भी तो है, कई ऐसे कानून है जिसका आप सहारा ले सकते हैं। देखो राजद्रोह का कानून सरकार और देश में फर्क नहीं कर पाती है, इसीलिए यह कानून सत्ताधारी दल को बहुत ही ज्यादा उपयुक्त लगता है। आज क्या कहते हैं लोग, आज मोदी सरकार ही देश है, कभी इंदिरा इज इंडिया हुआ करती थी। 2011-12 में तमिलनाडु में जयललिता,
सरकार ने कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का विरोध करने की सजा 1000 लोगों को राजद्रोह के मुकदमे में फंसा करके दी गई थी। तब मनमोहन जी की सरकार ने कहा था कि प्रदर्शनकारी विदेशी फंडिंग के लाभ में ऐसा कर रहे हैं। यही सिलसिला 2014 के बाद से और तेज हो गया। मकसद अब बहुत स्पष्ट हो चुके हैं, राजनीतिक विरोधियों को सबसे ज्यादा सबक सिखाओ। इन कानून को खत्म करने के लिए राज्यसभा में सन 2011 में निजी विधेयक प्राइवेट विधेयक बिल लेकर के आए थे, कौन लाया था, लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार ने इसे कोई तवज्जो ही नहीं दी। अब इनकी हिपोक्रेसी देखो। उसके बाद भाजपा सरकार बनने पर कांग्रेसी जो सांसद हैं थरूर साहब, शशि थरूर, इसमें बदलाव के लिए निजी विधेयक पेश कर दिया। अब हल्ला मचा रहे हैं कि खत्म करो खत्म करो। अरे कांग्रेस पार्टी इस कानून को लेकर केंद्र की भाजपा सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रही है, लेकिन 2004 से 2014 तक जब 10 साल जब वह केंद्र में थी तब इसको तो तवज्जो नहीं दी, इस कानून को खत्म करने की पहल तक नहीं की, क्योंकि पूरा आनंद इनको भी मिल रहा था। 10 साल राज करने के बाद 2014 के चुनाव से पहले पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था वह सरकार में आई तो राजद्रोह कानून को खत्म करेगी। सुधीर चौधरी जी बोला कि देखो देश को बर्बाद कर देंगे, अब करेंगे मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि मोदी जी ने हटाया। जाहिर है जो सरकार इसमें है वो इस कानून को खत्म करने की बात नहीं करेगी। जो सत्ता में विपक्षी पार्टियां इसे खत्म करने की मांग करती हैं क्योंकि राजद्रोह का कानून डंडा अब उनके खिलाफ चलता है। इनके मौजूदा सरकार भी इसी वजह से इसे खत्म करने की बजाय इस पर गौर करने की बात कह रही है। समझ में आ रहा है? एक कॉमन सेंस वाली बात मैं आपको बताता हूँ, कॉमन सेंस जो सब में अनकॉमन हो चुका है अधिकांश लोगों में, लेकिन आप में नहीं हो क्योंकि आप दर्शक INI न्यूज इंडिया के हैं। राजद्रोह कानून को खत्म करने में सरकार के हिचक करने वाली बातें तो हैं, क्योंकि सरकार के पास गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी कि UAPA का एक मजबूत डंडा पहले से भी है। इसको और ज्यादा शक्तिशाली कर दिया कि हम बताएंगे कुछ भी नहीं, पूछेंगे नहीं, लेकिन कह देंगे आतंकवादी। केंद्र सरकार ने 2019 में इस UAPA में संशोधन बकायदा अमेंडमेंट किया, उसे इतना सख्त बना दिया कि 2019 के संशोधन के जरिए इसमें यह प्रावधान जोड़ दिया गया कि सरकार चाहे तो बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है। भाई आज से INI न्यूज इंडिया आतंकवादी क्योंकि हमारे खिलाफ बात करता, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन आतंकवादी ये टाडा या पोटा की तरह सख्त कानून है। इसके बावजूद सरकार राजद्रोह कानून को बनाए रखना चाहती है। क्यों रखना चाहती है पता है क्यों? समझिए साइकोलॉजी। किसी को भी आतंकवादी या फिर नक्सलवादी बताने से ज्यादा बहुत ज्यादा प्रभावी देशद्रोही या राजद्रोही बताना होता है। देशद्रोही या फिर राजद्रोही का मुकदमा होने से लोगों की छवि बहुत ज्यादा खराब होती है, उसका नुकसान होता है, केस लंबे चलते हैं। प्रणाली आपको पता है हमारे कानून की व्यवस्था की। राजद्रोह का इस्तेमाल सिर्फ विरोधियों की आवाज बंद करने के लिए किया जाता है, दूसरा उनकी छवि को तार तार किया जाता है, यानी कि हमारे इंडिया टुडे के एंकर भी हैं। मैं एक बात बता देना चाहता हूं भैया, जब राजा नहीं तो राजद्रोह का बाजा ही नहीं, खत्म करो बात, सिंपल सी बात है। राजदीप सरदेसाई जी भी सिटीजन के केस में चले गए थे बेचारे, अब बाकी क्लीन चिट मिली नहीं मिली मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, इतना तो मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार, हैव अ गुड डे।